भारत की जनता चाय की चुस्कियों पर न जाने कौन कौन से ख्वाबों की ताबीरें पूरी कर लेती है। जी हाँ, बात होती है शादी की, रोजगार की, घर परिवार की, बच्चों की और अपने सपनों को हासिल करने कर लेने की चाहत की भी। एक ऐसी खास चाय की दुकान पर हमें खास क्यों है बताते हैं हम आपको, लेकिन पहले नाम पर गौर कीजिए। एक प्रेमाचा चाह प्रोफेशनल चाय वाला। जी हाँ, ये प्रोफेशनल चाय वाला है, क्यों है ये हम इन्हीं से जानेंगे। यहाँ पर चाय की अलग अलग वैरायटीज आपको मिलती है, ब्लैक टी, मिल्क टी, ग्रीन टी और बहुत सारी चाय, लेकिन साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरह की वैरायटीज की बातें भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे प्रोफेशनल चाय वाले हैं, पहले उनसे कुछ बातचीत हम कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र ठावरे। वीरेंद्र, ये प्रोफेशनल चाय वाला ये नाम कहाँ से सूझा आपको, कैसे आप बन गए प्रोफेशनल चाय वाला? मैम, वैसे तो चाय के बहुत सारे ब्रांड होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, तो मैंने सोचा कि चाय एक सुकून वाली चीज है, चाय लोग पीना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उनको एक ऑफिशियल चाय पिलाऊंगा, एक ऐसी चाय पिलाऊंगा जिससे उन्हें ताजगी मिले और उनका माइंड रिफ्रेश हो, सुकून पाए। और इसी के बाद मैंने सोचा कि मैं प्रोफेशनल चाय वाले के नाम से अपनी एक पहचान बनाऊं छिंदवाड़ा जिले में। अच्छा, कितने समय से आपकी दुकान है ये? मैम 4 वर्ष हो गए। मैम कैसी चल रही है? बहुत ही मस्त चलती है मैम, लोग आते हैं, नाम से आते हैं कि भाई प्रोफेशनल चाय वाला है, इस नाम से आते हैं और मैं उन्हें बैठाता हूँ और 5 मिनट में चाय रेडी करके पिलाता हूँ। अच्छा, आप किससे इंस्पायर हुए थे? मैं ज्यादातर काफी जगह बाहर मैंने जॉब किया, जब से देश में रोजगार की दिक्कत आई तो मैंने काफी जगह जॉब किया, उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे बड़ा नौकर नहीं बनना है, दूसरे की नौकरी नहीं करना है, 5 रुपए का धंधा करूँ, खुद का करूँ और एक खुद का छोटा मालिक कहलाऊँ। अच्छा, आपकी दुकान में अलग तरह के लोग आते होंगे, क्या क्या बातें होती है यहाँ पर? सभी प्रकार के लोग आते हैं, अब यहाँ पे गांव के लोग तो अधिकांश आते हैं क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ पर नजदीक है। हाँ। सभी तरह की बातचीत होती है मैम। ठीक है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप कहाँ से? चौरे छिंदवाड़ा। अच्छा, कितना बदला छिंदवाड़ा? बहुत कम। हाँ। अच्छा, क्या नहीं बदला? बहुत कुछ नहीं बदला, रोजगार की समस्या है, हमारे जैसी युवा है बहुत कम रोजगार में है, जॉब नहीं है, काफी बदलाव नहीं हुआ। देखिए, चुनाव आते हैं तो हर कोई कहता है कि हम तो बदलाव लाएंगे। जी हाँ, आपकी बार तो बदलाव है। हाँ। पहले क्या छिंदवाड़ा में बदलाव है, कहाँ बदलाव है? छिंदवाड़ा में बदलाव है। अच्छा। हाँ। आप बताइए। पूरे भारत में बदलाव है। पूरे भारत में बदलाव है, किस तरह का बदलाव है? मोदी जी की गारंटी का बदलाव है। अच्छा, ऐसा क्यों? मोदी जी ने कुछ करके दिखाया है ना किसानों के लिए। हाँ, बताइए कितना बदला है छिंदवाड़ा? छिंदवाड़ा का बहुत डेवलपमेंट है। हाँ? अच्छा, इस बार क्या चल रहा है यहाँ पर? चुनाव नजदीक है। चुनाव का तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी पता चलेगा नतीजे के बाद। नहीं, वो तो सबको पता चलेगा, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर? बस देख रहे हैं बीजेपी की लहर चल रही है। अच्छा, यहाँ पर रोजगार की बात चल रही थी तो रोजगार को लेकर तो हर पार्टी दावे करती है। रोजगार मैडम ऐसा है कि यहाँ कमलनाथ जी ने 40-45 साल से यहाँ राज कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो युवा परेशान है, यहाँ छिंदवाड़े का जो युवा है वो भोपाल जा रहा है या फिर दूसरे स्टेट में जा रहा है, पर प्रॉपर छिंदवाड़े में ऐसा रोजगार को लेकर कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि अगर मैं संसाधन की बात करूँ तो अगर हमें कहीं दूसरे, जैसे कि हमें कहीं बाहर जाना है तो हमारे यहाँ उतनी अच्छी ट्रेनें नहीं है, हमें यहाँ से या तो हम नागपुर जाएंगे, इटारसी जाएंगे, इधर से हमें ट्रेन लेनी पड़ती। लेकिन जब कोई बड़ा नाम होता है आपकी लोकसभा सीट से तो ये उम्मीद होती है कि वहाँ पे कुछ होगा, तो क्यों नहीं हो पाया? अभी तो कोई उद्योग नहीं खुले ना हमारे यहाँ सर जी, कोई बड़े उद्योग नहीं खुले हैं, युवा इसलिए परेशान है छिंदवाड़ा जिले का। कोई विकास नहीं है वहाँ पे, कमलनाथ जी का दिया बड़ा उद्योग खोल देते तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, वो काम नहीं किया, इसलिए मोदी की बस गारंटी चलेगी और मोदी जी का काम चलेगा। बीजेपी का दावा है कि ये सीट भी जो पिछली बार नहीं आ पाई थी वो इस बार बीजेपी अपने पास लेगी। इस बार पूरी तरह से आएगी, बंटी साहू जीतेंगे, कमल खिलेगा यहाँ इस बार। कमलनाथ के नाम में भी कमल है? नहीं, कमल इस बार नहीं है अभी तक था, पर इस बार बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो बहुत सारे कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन करे उसको लेकर क्या विचार है? वो वोट डलवाएंगे, उनके आएंगे, वो विकास। लेकिन पुराने भाजपाइयों को नुकसान नहीं होगा इससे? नहीं होता। 1 मिनट, नेता थोड़ी हो जो ओवरलैप कर रहे, एक एक बारी आने पर बोलेंगे सब। हाँ, पीछे 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 आप आ गया, ये